नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक और टेक्निक शेयर करने वाली हूँ इच्छा को पूरी करने की। अगर आप किसी मनोकामना को पूरी करना चाहते हैं, आपकी दिली इच्छा है, किसी भी चीज को लेकर आप बहुत परेशान हो रहे हैं जिसको आप जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों ये जो टेक्निक मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड टेक्निक, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने की एक टेक्निक है। इसको यूज करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही आप अपने आप से ही वो चीज खुद छीन लेंगे। जी हाँ, देखो यूनिवर्स ने हमें सब कुछ दे रखा है, बस जरूरत है हमें उसे रिसीव करने की। तो रिसीविंग मोड पे आ जाना है आपको। इस वीडियो को देख आप खुद इस चीज को समझ जाएंगे कि कैसे आपको क्या करना है। पूरी प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो चलिए जल्दी से हम शुरू करेंगे। मगर उससे पहले आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। और हाँ, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। कोई भी अगर आपको नहीं विश्वास होता ना, तो एक छोटी सी ही इच्छा लेकर आप इस टेक्निक को कीजिए। लगातार आप करते रहेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी इच्छा पूरी होगी। और फिर इसी से रिलेटेड और भी कई मनोकामनाओं से रिलेटेड टोटके या फिर और सारी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो पर मूव ऑन करते हैं, टेक्निक आपके साथ में शेयर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो टेक्निक है ये है पिलो टेक्निक, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ही इस तरह से ट्रेन करते हैं, इस तरह से सिग्नल्स देते हैं, इस तरह से एनर्जी देते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को पूरा करने में, उस चीज को हम तक ले जाने में, हम तक लेके आने में वो हमारी मदद करने लगता है, ठीक है। तो अब हमें पिलो की हेल्प से, जी हाँ, हमें हमारे तकिए की मदद से हमारी इच्छा को पूरी करना है। कैसे करना है ये जो प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले जो चीज की जरूरत है वो है पॉजिटिविटी। आपको फुल ऑफ पॉजिटिविटी रहना है, ठीक है, फुल ऑफ पॉजिटिव रहना है। कैसे रहेंगे, आपको हर समय अपने आप से कहना है कि हाँ मुझे सब कुछ मिल चुका है और जो चीज मुझे चाहिए वो मैं खुद हासिल करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, ठीक है। इसमें आपको सबसे ज्यादा बस यही जरूरत रहेगी कि आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहें, ठीक है। अपने दिमाग को हर समय ये चीज आपको कहते रहना है कि यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट, ठीक है। अपने आप पे आपको विश्वास रखना है, अपने यूनिवर्स पे, अपने भगवान पर, जिसको भी आप सबसे ज्यादा मानते हैं उन पे आपको पूरा विश्वास रखना है, ठीक है। पूरा 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 मतलब 0.001% भी नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर अब आपको इस टेक्निक को करना कैसे है, ठीक है, स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट आपको करना है, इसे हम करेंगे रात में, ठीक है। रात में सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा हमें, कोई ज्यादा समय नहीं चाहिए, सिर्फ 5 मिनट का समय सोने से पहले वाला, ठीक है। जिस टाइम हम थोड़ी से थके हुए रहते हैं, थोड़ी सी नींद में जाने वाले रहते हैं, वो वाला समय आपको इसे लेटे लेटे ही करना है। कोई बैठने की जरूरत नहीं है, कोई तप ध्यान तपस्या करने की जरूरत नहीं है, आप इसे लेटे लेटे भी कर सकते हैं। आप सीधे सो जाए, सीधे नहीं सोते, करवट में सोते हैं तो करवट में सो जाए, जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस तरह से आपको इसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना कैसे है, ठीक है, जब आप सोते हैं, सोने जाना है, सारे कामों से फ्री हो जाओ। अब इस टेक्निक को करने के बाद में फिर कोई काम नहीं करना है, फिर बस सोना ही है, ठीक है। तो आप लेट जाए, ठीक है, जैसे भी आप रोज सोते हैं, जिस लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, सीधे सोते हैं, उल्टे सोते हैं, जैसे भी सोते हैं तकिया लगा कर लेट जाए, ठीक है। अब आपको अपनी आंखें बंद करके आपके जो इष्ट हैं, जिन पे आपको बहुत ज्यादा विश्वास है, आपके जो भगवान है, जैसे मेरा सबसे ज्यादा विश्वास है भोलेनाथ पे, ठीक है, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू भोलेनाथ, ठीक है। अपने जो भगवान है उन्हें आपको ग्रेटफुल होना है, आपको उन्हें बताना है, आपको उन्हें थैंक यू करना है कि ये जो मेरा पूरा दिन गुजरा इसके लिए आपको धन्यवाद, मेरी सांसें चल रही है इसके लिए धन्यवाद। बहुत सारी जिन चीज़ों के लिए आप कह सकते हैं, आपको लगता है कि यार ये चीज़ मेरे पास है, किसी के पास नहीं, इन सब के लिए आप पहले शुक्रिया अदा करें, और शुक्रिया अदा दिल से करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि जस्ट वो कि थैंक यू नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल फील करके कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे ये सब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मुझे एक और चीज़ आपने मुझे दे रखी है, पर मुझे ये चीज और अपने सामने देखना है, मुझे ये चीज दिखाओ, और ये चीज क्या है, जो आपकी मनोकामना है वो आपको कहनी है, ठीक है। आपकी जो इच्छा है, मान लीजिए मैं अभी जस्ट एक आपको एग्जांपल लेकर बताती हूँ, मैं अपने अगर आप अपने प्यार से रिलेटेड परेशानी है, ठीक है, आप अपने प्यार को अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो आपको कहना है भगवान मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे पार्टनर का नाम आशीष है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को मिल चुके हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते हैं, हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर हमारी लाइफ है, हम दोनों एक साथ में बहुत खुश रहते हैं, बस अब आप हमें जल्दी से मिला दीजिए, हम दोनों बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, हम दोनों की सारी समस्याएं खत्म होने वाली है, हमारी सारी चीजें हमें मिलने वाली है। ऐसा जितनी भी आप अपने रिलेशन को लेके, आपकी इच्छा को लेके जो जो एफर्मेशंस दे सकते हैं वो आपको देनी है, ठीक है, ये आप दे दें,
अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वॉइस का डिस्टर्बेंस आ रहा होगा क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ लग गई हैं, तो बहुत ज़्यादा आज मैंने उनको मना कर दिया तो भी वो नहीं मान रहे, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं। आज पहला दिन है वेकेशन का, तो थोड़ा सा आप इसे इग्नोर कीजिएगा, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहूँगी। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ जो अपनी टेक्निक पे, कि आपको अपनी इच्छा को लेकर सारी पॉजिटिव चीज़ें जो जो आप सोचते हैं आपका भविष्य को लेकर, वो फील करते हुए कहना है हम दोनों की लाइफ ऐसी होगी, हम दोनों, मतलब आपको सब चीज़ों को महसूस करना है। जब वो इंसान आपके साथ में मिल जाएगा, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, आप कितने खुश होंगे, कितनी आपको खुशी होगी, वो सब चीज़ों को आपको अपनी बंद आँखों में, आँखों के सामने देखना है, महसूस करना है, और महसूस करते हुए भगवान से कहना है इन सब के लिए आपको थैंक यू, आपने ये सब चीज़ें मुझे दे दी हैं। चाहे वो आपको नहीं मिली है, पर आपको क्या कहना है, मुझे मिल चुकी है, आप मुझे दे चुके हो, बस अब जल्दी से मुझे ये सब चीज़ें सामने दिखा दीजिए, जल्दी से मेरे सामने ये सब ले आइए, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत जल्दी देखना है आंखों के सामने, थैंक यू ये सब चीज़ें मुझे देने के लिए। और ऐसा करने के बाद में जब आप अपनी सारी इच्छाएँ कह दें, उसके बाद में आप सो जाएँ, निश्चिंत होकर सो जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप आँखें खोलें ना भी खोलें तो भी चलेगा, खोल लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, नहीं खोलते हैं तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। अगर ये सब कहते कहते ही आपकी नींद लग जाती है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, जब हम सोने जाने वाले रहते हैं, बस सोने वाले रहते हैं, तब हमारा कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड के पास जाता होता है, इस बीच में मिलता है सबकॉन्शियस माइंड, और जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके अंदर अगर कोई चीज़ फिट हो गई, वो सबकॉन्शियस माइंड ने अगर कोई चीज़ पकड़ ली, तो वो ऐसा करने लग जाता है, ऐसे सर्कमस्टांसेस होने लग जाते हैं, हमारे पास से ऐसी एनर्जी भेजने लग जाता है कि वही चीज़ हमारे साथ में घटित होने लगती है, वही चीज़ें हमें मिलने लगती हैं। और ये 100% प्रूवन है कि सबकॉन्शियस माइंड जो सोच लेता है, जो धार लेता है, वो करके रहता है। आपने जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड को समझा दी कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, वो चीज़ होके ही रहेगी, तो बस ये आपको करना है, बस ऐसा करके आप सो जाएंगे। ठीक है, सवेरे आप उठे, नॉर्मल अपने रूटीन में लग जाए, और रात में फिर जब रात होगी फिर से आपको इस चीज़ को करना है। ये चीज़ आपको लगातार 21 दिनों तक करना है, ठीक है। ये जो मैंने पिलो टेक्निक बताई, आपको लगातार 21 दिनों तक करना है, ठीक है। बीच में एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप लेडीज़ हैं, अगर आप गर्ल्स हैं, तो पीरियड्स भी अगर आ जाते हैं तो भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आप इसे करें, 21 ही दिनों में आपको मैजिक दिखेगा, आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जितनी परेशानियाँ आ रही हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, और हो सकता है 21 ही दिनों में आपको जो आपकी इच्छा है वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, वो पूरी हो जाए। और अगर नहीं भी होती है तो घबराना नहीं है, क्योंकि वो बहुत जल्दी, उसकी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सब चीज़ें समझा चुके हैं, और वो धीरे धीरे वो चीज़ आपकी ओर आ रही है। बस इसे 21 दिन तक करें, 21 दिन के बाद में आप इसे छोड़ दें, फिर आप रास्ता देखें कि वो चीज़ कब मिल रही है, ठीक है। इतना करें और फिर मुझे रिजल्ट ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है तो मेरे साथ में ज़रूर शेयर करें, मैं आपका कन्फ्यूजन सारे दूर करूँगी। आप कॉमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कोई परेशानी है आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको रिप्लाई कर दूँगी। इंस्टाग्राम ID भी आपको मेरे स्क्रीन पर शो हो रही है, सब चीज़ें आपको स्क्रीन पर शो होती रहेगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आओ तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।